कई महीनों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर आंदोलन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने घंटा घर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि उनके वेतन विसंगति को दूर किया जाए, क्योंकि उनसे काम तो भरपूर लिया जाता है लेकिन वेतन उतना नहीं मिलता जिससे उनके परिवार का गुजारा हो सके। आज हम सभी ज्ञापन के माध्यम से अपने कलेक्टर सर को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे जो भुगतान राशि है वो हमेशा हमें अधूरी मिलती है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार अनगिनत ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन सभी लोग उसे एक किनारे रख देते हैं। अगर किनारे रखने से मतलब है, अगर हमने आपको जितने ज्ञापन दिए हैं आपने उन समस्याओं का समाधान कभी नहीं कराया। हमने आपको लिखित बताया कि बजट में कहाँ से कहाँ बजट आया है और उसके बाद हमको कितनी राशि मिली है, लेकिन आज तक हमारा निराकरण नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग इसी समस्या को पुनः लेकर आए हैं क्योंकि फरवरी में बजट पेश किया जाता है, हमें हमारा पूरा बजट दिया जाए। जिम्मेदार जो भी अधिकारी इस बजट में गोलमाल करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सभी अधिकारियों को हटाया जाए, हमें नए अधिकारियों से हमारा नया भुगतान दिया जाए और हमें एक एक राशि दी जाए जिससे हम सरकार के जो भी कार्य घर घर तक करते हैं पूर्णतः ईमानदारी से, जब हमें हमारे पूरा भुगतान मिलेगा तो हम उसे बहुत अच्छे से सफल बनाएंगे। साथ ही कई अधिकारीगण काम तो बहुत ही तरीके से लेते हैं कि आपको करना होगा, ऐसे अधिकारियों के लिए मांग करते हैं कि आपको वेतन भुगतान करवाना होगा और अगर आप नहीं कराएंगे तो हम लोग बार बार इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे। साथ ही 16 फरवरी के लिए हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके लिए भी हम लोग आज सूचना देने के लिए इकट्ठे। किस तरह से आप लोग इनकी कुछ मांगे जिले से संबंधित है, कुछ राज्य शासन से संबंधित है, इन्हें ज्ञापन दिया है, ये राज्य शासन को भेजा जाएगा, जिले स्तर की बातें जो है उनका भी हम समाधान का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज़।